तो दोस्तों रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, चल रहे हैं नहाने के लिए। तो भाई हम यहीं पे हैं, पोस्ट देख लो, हर द्वार में खड़े हैं और पीछे देख सकते हैं मनसा देवी है। किधर है भाई? वहाँ वहाँ मनसा देवी है, वहाँ ऊपर। तो कान में पानी घुस गई है। हम यहाँ पर अवतार था ना कि रस्सी छूटे, यानी कि सिक्कड़ छूटा था, फिर आप लोग धाक लेकर चले जाएगा दूसरे साइड के पानी के बीच में, वो कैसे तैरते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। फिर कर देख लो, सामान खरीद लिए फिर भी मामा पैसा नहीं लिए यहाँ। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो लेकर के। तो देख सकते हैं हम गंगा के पानी ले जाने के लिए यहाँ पे कुछ ड्रम वगैरह खरीद लिए हैं और देख सकते हैं गमछा वगैरह। तो फटाक से तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहाते हुए आप लोगों के यहाँ पे दिख जाएंगे, और इस घाट पर भी और उस घाट पर भी सारे लोग नहा ही रहे हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं धूप होने की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इधर देख सकते हैं थोड़ा सा भीड़ वगैरह थोड़ा कम है। एंड ये देख सकते हैं थोड़ा सा बगल के नज़ारे दिखा लूँ, तो मैंने यहाँ पे सब सामान को रखता हूँ। हर की पड़ी पर देख सकते हैं लोग नहाते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, कुछ चलते फिरते हुए आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। डब्बा अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद लो, लेकिन मैंने पहले ही खरीद कर लेकर आ गए थे उधर से, तो यहीं पर अभी हम लोग स्नान करने वाले हैं। दोस्तों पूरा 19 साल का जितना भी पाप है धुलने का टाइम आ गया, तो चलो भाई फटाक से ना खोलते हैं और नहाते हैं। तो भाई शाम हो रही है और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्द से नहाना चाहते हैं क्योंकि धूप भी है। तो दोस्तों रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, चल रहे हैं नहाने के लिए। भाई इतना ठंडा लग रहा है अंदर, दो ही बार में भाग आया हूँ, और एक से दो घंटे के बाद से ना यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगी, तो चलो जल्दी से नहा के भागते हैं। भाई नहा करके पूरा दिमाग ठंडा हो चुका है, डिब्बा लेकर आए थे डिब्बा में पानी भरने के लिए, तो चलो इसमें पानी भर देते हैं करके। एक तो भर दिए, बाकी दूसरा भरना है। भाई ठंडी लग रही है बहुत तेज, पूरा अंदर से शरीर कांप रहा है भाई। तो दोस्तों दोनों कंप्लीट हो चुका है एंड बचा तीसरा। तो दोस्तों यहां पर आकर के मैं DSLR से एक बार फ़ोटो लेना चाहता हूं, तो चलो भाई एक बार फिर से अंदर चलते हैं। देख सकते हैं भाई साहब यहां पे हैं, ये हमारी फ़ोटो लेंगे। तो दोस्तों वो कह रहे थे ना कि दो फोटो आप खिंचवाओ तब जा करके हम आपका फोटो खींचेंगे, तो बोले कि नहीं भाई एक फ़ोटो चाहिए, तो खींचो ना रहने दो। तो भाई हम यहीं पे हैं, पोस्ट देख लो, हरिद्वार में खड़े हैं और पीछे देख सकते हैं मनसा देवी है। किधर है भाई? वहाँ वहाँ मनसा देवी है, वहाँ ऊपर। तो खैर आप लोग वीडियो में देख लो, हरिद्वार में है मौजूद, और भाई फ़ोटो खींचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बस आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। कपड़ा चेंज करके निकलते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ भाई, एक बात, कान में पानी घुस गई है। हम यहाँ पर अवतार था ना कि रस्सी छूटे, यानी कि सिक्कड़ छूटा था, फिर आप लोग धाक लेकर चले जाएगा दूसरे साइड में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बच के रहियो। तो खैर अभी देख सकते हैं कि रेडी होकर के अभी हम लोग चल रहे हैं फिर से दुकान की तरफ, और मैं वहाँ से फिर, आज मेरा ट्रेन है 5 बजे शाम को, तो अभी बज रहा होगा 3, तो मैं जल्द से नहा करके और पानी भरने के लिए यहाँ पर आया था। अभी तक बताओ 10 दिन से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, 10 दिन के लास्टवें दिन हम आए हैं नहाने के लिए, और भाई इधर उधर घूमते रहता था। तो खैर तो चलो जल से अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों एक औरत आई और मेरे को कही कि आप लगा लो टीके, तो उन्होंने क्या किया कि टीके वगैरह लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। तो चलो अब घाट से हम लोग निकलते हैं, और देख सकते हैं बाल थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। एंड भाई टीका लगा कर कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट में लिखिएगा, एंड हमको तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि भाई बना लो, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई बना दे। अभी तो थोड़ी ठंडी कम लग रही है, जब मैं पानी में गया था भाई इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी ठंडी आप लोग पूछे नहीं, मेरे साथ नाना हुए थे, यही सारा चीज़ को लेकर के जा रहे हैं। देख सकते हो वो पानी हाथ में है नाना के पास, और उसमें एक और है, इसमें हमारा पैंट वगैरह जो कि मैंने भींगा रखा था ना, वो उसको उसमें रखा हुआ है। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारे लोग हैं, जैसे कि मुंडन करा करके फिर भी नहा रहे हैं, ठीक है। तो अगर चाहिए तो इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ना उतना टाइम वगैरह है नहीं। तो खैर अभी हम लोग निकलते हैं और मौसा का दुकान पर। लोग देख सकते हैं पानी के बीच में वो कैसे तैरते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, वो वही हैं उब्बे भाई, वो देखो अभी तक अंदर ही रह गए, इतनी धारा तेज होने के बाद बावजूद भी देख सकते हैं वहीं पे वो हैं, वहीं पे निकल गए। तो ये है हर की पौड़ी, और ये पवित्र स्थान है, हर की पौड़ी में आकर के ही नहाना पसंद करते हैं। तो कोई ऐसा लोग भी, जैसा कि हमने मौसी के घर पे दिखाया था कि वहाँ पर भी गंगा नदी जाती है, लेकिन हमने वहाँ पर नहाया नहीं, क्योंकि पवित्र स्थान पर नहाना ही कुछ मज़ा अलग है। तो यहाँ पर भी नहा करके एकदम से मज़ा आ गया हमको।
हवाएं जब बह रही है ना तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगनी शुरू हो जा रही है। अभी हम लोग निकलते हैं दुकान पर, यानी कि भैया के, सॉरी अभी याद आया मेरे को प्रसाद लेना है, तो अभी हम जा रहे हैं मामा की दुकान पर और वहीं से ना मैं डब्बा वगैरह लेकर के आया था, वहीं से मैं प्रसाद भी लूँगा। वो ना सामान वामान बेचते हैं। ये कौन सा चीज़ है, जगह का नाम ये भी हरकी पौड़ी है। तो हरकी पौड़ी का वो आप हमने नहा स्नान वहाँ किया था, तो ये देख सकते हैं ये दूसरी जिसमें हम अभी नहाए थे वही गंगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ भी चाहे तो आप लोग नहा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हो, लेकिन नहाने की मज़ा आप लोगों की वहीं पे मिलेगा। ये देखो इधर भी लोग नहाते हुए दिख जाएंगे। भाई एक प्रॉब्लम हो गई, जानते हैं क्या, मेरे कान में पानी घुस गया है भाई। जब मैं कदम रख रहा हूँ तब तब धम धम सा जैसा बज रहा है अजीब से यहाँ इस कान में तो खैर ठीक है, लेकिन इस कान में जो है ना ऐसा लग रहा है कि बंद हो गया है कान, और जब भी मैं चल रहा हूँ तब दम दम की आवाज़ आ रही है, धब धब ऐसे। वहाँ पर ना मैंने दूसरे किसी से फिर से फ़ोटो खिंचाया, और देख सकते हैं ये फ़ोटो है, ये जो आप सामने फ़ोटो देख रहे हैं मैंने यही फ़ोटो खिंचवाया, एक ही फ़ोटो खिंचवाया मैंने, तो ये वाली फ़ोटो है। हमारे साथ तो ना नाना भी गए हुए थे, तो नाना नहीं नहाए, नाना आप नहीं नहाया ना नाना कह रहे थे कि ठंडा बहुत है इसकी वजह से नहीं नहाएंगे, तो खैर ये नहीं नहाए थे, बस हम भी जा कर के बोले कि चलो भाई हम ही नहाएंगे, उसके बाद से तो फिर हम लोग वहाँ से नहा करके तुरंत अभी रास्ते में आ रहे हैं। तो बस मुझे एक और चीज़ लेनी है, प्रसादी वगैरह लेकर के फिर चलना है घर मेरे को। तो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना आप लोग देख सकते हैं यहाँ का मार्केट है, और यहाँ से अगर कुछ भी अगर कुछ चाहिए आप लोगों को तो यहाँ से इस मार्केट से आप लोग खरीद सकते हैं। एंड होटल भी इधर बगल में खाने वगैरह के लिए, तो यहाँ से ज़्यादा दूर गंगा घाट यहाँ से ना ज़्यादा दूर गंगा घाट नहीं है, बस नज़दीकी में है। तो खैर ये देख सकते हैं बगल में आप लोगों को दुकानें वगैरह देखने को मिल जाएंगी, कपड़ों वपड़ा का और कुछ खिलौने का इधर देख सकते हो। भाई गंगा माँ का जो पानी का लेवल था ना एकदम से कमर तक था, और उसमें कुछ ज़्यादा पानी था, डूबने लायक नहीं था, बस सिकर पकड़ के नहाओ कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मेरे मामा अपने यानी कि ठेले लगा करके सामान वगैरह बेचते हैं। देख सकते हो यही है मामा का दुकान, जो कि मामा कहाँ हैं तो देख सकते हैं मामा यहाँ पे हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा वो मंदिर पर गए हुए थे, तो मामा हमारे साथ थे, तो यहीं से हम लोग सामान वगैरह लेकर गए थे बॉक्स, तो वो देख सकते हैं जहाँ था ना वहीं से मैंने भर करके लेके गया है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने तीन, एक ये दो यहाँ है एक वहाँ है, तो हमने भर करके लेकर आ गया है। तभी मैं यहाँ से प्रसाद दूंगा, और भाई 10 दिन से मैंने पूरा घूम ही रहा हूँ, ना प्रसाद लेने की टेंशन ना यहाँ नहाने की टेंशन, सामान तो ले लिया भाई, पैसा तो देना बनता है, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, घर पर भी फ़ोन लगा दिए इन्होंने, दीजिए पैसा दीजिए, अरे मना कर दी उन्हें, अरे देखो चल 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 ले छोटा, अरे तो रखिए तो सही, अरे कुछ नहीं जाएगा नहीं, आखिरकार देख लो सामान खरीद लिए फिर भी मामा पैसा नहीं लिए यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं मामा, तो इन्हीं की लड़की की शादी में हम लोग यहाँ पे आए थे, तो खैर घूम भी लिए और मजे भी कर लिए, तो आप लोग इनको पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे। मामा बाय बाय बाय, तो यहीं पे हमेशा ये लगा कर रखते हैं बाय। हमको ना दूसरे जग से लेना चाहिए था, अब मान लो कि दो दिन भर काम कर रहे हैं भाई, इतनी सामान ले लिए फिर भी है कि नहीं भाई, अजीब लग रहा है हमको। ये सारा प्रसाद को ना अब इसमें हम जो मनसा देवी और चंडी देवी पर गए हुए थे वहाँ का प्रसाद इसमें मिला करके सारे लोगों को यानी कि घर के जितने आस पास होंगे उनको बाँट देंगे। तो ये है दुकान, और यहीं पर हम सारा सामान ले करके आकर, जितना भी सामान था ना हमारा सब लेकर के आकर के यहीं पे रख दिए थे। तो ये देखो सारा सामान यहीं पर है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 बजे से मैं रेडी होऊंगा, यानी कि अभी बज रहा है 4, तो मैं अभी स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ देख सकते हैं, और अभी मैं सारी चीज़ रेडी करके बाहर सामान को रख दिए हैं। तो या तो देख सकते हैं नाना छोड़ने जाएंगे या तो वो विशाल छोड़ने जाएगा, मैं हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पर देख सकते हैं बाइक लेकर आ गए हैं भैया, तो हम लोग अभी निकलेंगे उसी गाड़ी से, हमें स्टेशन में मिलते हैं आप लोगों से। ने हमको ला करके स्टेशन पे छोड़ दिया है, आप लोग देख सकते हैं हरिद्वार जंक्शन है ये, और यहीं से हमको ट्रेन लेकर के जाना है, ट्रेन मात्र और 10 मिनट के बाद से प्लेटफॉर्म नंबर पे आ जाएगी, तो वहीं से हम लोग चल रहे हैं। और भाई इसमें क्या है मेरे को दिक्कत हो गई है, बाय चलो ठीक है, दिक्कत हो गई है, जो हमने पानी हरकी पौड़ी से भरी थी ना उसकी ढक्कन टूट चुकी है, ये पूरा तरीके से आप लोग देख सकते हैं पूरा भींग चुका है, तो मैंने देख सकते हैं कि इस पर इसको रख दिया और आराम से लेकर के चले जाए। तो चलो भाई पहले टिकट लेते हैं, जा रहे हैं टिकट घर पर और वहाँ से मुझे टिकट लेना है, मैंने पहले कन्फर्म नहीं करा पाया था जिसकी वजह से ये चीज़ हो गया। तो ये सामने वाला जो आप लोग का एरिया दिख रहा है यहीं से मुझे टिकट लेना है, तो देख सकते हैं कि ये सारे लोग इसी ट्रेन में जाने वाले हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ें हैं। हमने जाकर के वहाँ पर 225 रुपये का टिकट लिया है, इसी ट्रेन से हम ना गोरखपुर जाने वाले हैं, देख सकते हैं सामान वामान लेकर के यहीं पर आ गए हैं, और सारे देख सकते हैं सारे लोग इसी ट्रेन से जाने वाले हैं,
और भी आगे देख सकते हैं कितने सारे लोग उधर भरे हुए हैं, एंड इधर भी सारे लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म नंबर और वो है 2 है, इसी पर आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन से हम लोग उधर से रिटर्न आए हुए थे, यानी कि राप्ती गंगा एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है सीधा देहरादून और देहरादून से गोरखपुर के बीच में ये चलती है ट्रेन। लोगों को जहाँ तक नज़र जाए भाई देख सकते हैं कितनी सारे इधर लोग हैं, और आपको इधर बगल में दिखाने की कोशिश करें तो ये देखो तो देख सकते हैं भाई कितनी सारी भीड़ है। इधर भी आप लोग देख लो पूरा उधर तक कहीं जगह नहीं है, और देखते हैं भाई ट्रेन आती है तो चढ़ने की भी टाइम नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन आ गई है, अब आप लोगों से मिलेंगे ट्रेन में बैठ करके। सारे लोग देखो भाई कितनी भीड़ है इसमें, वो भाई इसमें तो बैठने की जगह ही नहीं है।